में देखा जाए ऊपर नीचे ग्राफ गिर रहा है, क्या लगता है किस तरह का परिणाम? देखिए बहुत शुरुआत है, अभी कुछ भी कहना आंकड़ों के ऊपर ना कांग्रेस के एंगल से ना बीजेपी ना किसी और एंगल से, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है 5 तारीख की पोलिंग के बाद, हमें पूर्ण बहुमत की सरकार, कम से कम 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो क्या लगता है वहाँ गठबंधन को क्या बढ़त मिलेगी, किस तरह से क्या जीत हासिल? मुझे लगता है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, और तमाम लोग और भी संपर्क कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आपको भी महसूस हुआ होगा कि बाकी लोग भी हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो अभी जिस तरह से वहाँ पे सामने आया था कि एलजी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे सदस्य, उनको लेके भी कांग्रेस और एनसी ने भी अपना विरोध दर्ज किया। देखिए पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है ये, जो चुनी हुई सरकार जिसको आकर 5 मेंबर नॉमिनेट करने हैं, अगर एलजी महोदय पहले से ही वो कदम उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हार स्वीकार करना और बीजेपी के द्वारा एक चालाकी भरा कदम इसको माना जा रहा है। देश की जनता तय करेगी और जो संवैधानिक रास्ते होंगे हम उनको भी अख्तियार करेंगे। क्या वजह लग रही है कि जो अभी जो तस्वीरें सामने आ रही चुनाव से कांग्रेस की तस्वीरें बहुत साफ इसमें नजर आ रही, क्या वजह है कि लोग अब कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो रहे हैं? देखिए माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, जो मोदी नाम का एक गुब्बारा फूला हुआ था वो गुब्बारा जिस तरह से फटा और तमाम जो आज 10 साल के रिजल्ट हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे विदेश नीति हो, ये तमाम सरकारें हर चीज पर फेल रही हैं। यही कारण है कि जनता अब सोच रही है वापस कि कांग्रेस का हाथ ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। देखा जाए ऊपर नीचे ग्राफ गिर रहा है, क्या लगता है किस तरह का परिणाम? देखिए अब बहुत शुरुआत है, अभी कुछ भी कहना आंकड़ों के ऊपर ना कांग्रेस के एंगल से ना बीजेपी ना किसी और एंगल से, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है 5 तारीख की पोलिंग के बाद, हमें पूर्ण बहुमत की सरकार, कम से कम 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो क्या लगता है वहाँ गठबंधन को क्या बढ़त मिलेगी, किस तरह से क्या जीत हासिल? मुझे लगता है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, और तमाम लोग और भी संपर्क कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आपको भी महसूस हुआ होगा कि बाकी लोग भी हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो अभी जिस तरह से वहाँ पे सामने आया था कि एलजी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे सदस्य, उनको लेके भी कांग्रेस और एनसी ने भी अपना विरोध दर्ज किया। देखिए पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है ये, जो चुनी हुई सरकार जिसको आकर 5 मेंबर नॉमिनेट करने हैं, अगर एलजी महोदय पहले से ही वो कदम उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हार स्वीकार करना और बीजेपी के द्वारा एक चालाकी भरा कदम इसको माना जा रहा है। देश की जनता तय करेगी और जो संवैधानिक रास्ते होंगे हम उनको भी अख्तियार करेंगे। क्या वजह लग रही है कि जो अभी जो तस्वीरें सामने आ रही चुनाव से कांग्रेस की तस्वीरें बहुत साफ इसमें नजर आ रही, क्या वजह है कि लोग अब कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो रहे हैं? देखिए माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, जो मोदी नाम का एक गुब्बारा फूला हुआ था वो गुब्बारा जिस तरह से फटा और तमाम जो आज 10 साल के रिजल्ट हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे विदेश नीति हो, ये तमाम सरकारें हर चीज पर फेल रही हैं। यही कारण है कि जनता अब सोच रही है वापस कि कांग्रेस का हाथ ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है।